नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। पीरपैंती प्रखंड के रेलवे ब्रिज संख्या 91 के अति शीघ्र निर्माण कार्य को लेकर सर्वदलीय शांतिपूर्ण धरना का आयोजन राजद प्रखंड अध्यक्ष रंजीत शाह की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें अलग अलग दलों के लोगों ने भाग लिया तथा अपनी अपनी बात रेल प्रशासन के सामने रखी। रंजीत शाह ने पीरपैंती रेलवे स्टेशन प्रबंधक अजय कुमार को संयुक्त रूप से ज्ञापन सौंपा। पीरपैंती के वर्तमान स्टेशन प्रबंधक अजय कुमार ने बताया कि डीसी के आदेशानुसार अति शीघ्र पुल निर्माण कार्य को प्रारंभ करने की बात कही है। पीरपैंती राजद अध्यक्ष रंजीत शाह ने अल्टीमेटम दिया कि अगर पुल निर्माण कार्य अगर 11 दिन में प्रारंभ नहीं हुआ तो रेल का चक्का जाम किया जाएगा, जिसका जिम्मेदार केवल रेलवे होगा। देवमुनि कुमार की खास रिपोर्ट। क्षेत्र में है तो हमारे लोगों को ब्लॉक जाने में काफी परेशानी होती है। क्या बताएं, 2.5 साल हो गया है, हमारा पब्लिक यहाँ का कमजोर है। पब्लिक यार हमारा या नेता भी हमारा कमजोर है। जो हमारे बड़े नेता हैं वो चाहते, जो रेलवे के साथ बैठ रहे हैं, जो हमारे मीटिंग में जाते हैं रेलवे के साथ, हमारे हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, वो यदि प्रयास करते, वो यदि पदाधिकारी पे कंट्रोल करते तो अभी ये काम हो जाना चाहिए। हमको लगता है कि हमारे बड़े नेता भी बोले ही होंगे, जरूर बोले होंगे, कोई भी जनप्रतिनिधि जरूर बोलता है कि ये काम होना चाहिए वरीय पदाधिकारी को। लेकिन दिक्कत ये है कि ये रेल विभाग के वरीय पदाधिकारी का मन इतना बढ़ चुका है और रेल अपना फायदा देखती है। ये पुल टूटने से रेल को कोई ज्यादा नुकसान नहीं है, ये आम आदमी को नुकसान है। यदि रेल को नुकसान होता तो ये पुल 6 महीना में बन जाता। ये पुल 6 महीना के लिए काफी है, लेकिन रेल को कोई फायदा इससे नुकसान नहीं हो रहा, इसलिए इसको कोई दिक्कत नहीं है। आम आदमी को नुकसान है। जितना पब्लिक पेट्रोल में अपना खर्चा कर दिया, वो पेट्रोल पर यदि हम लोग बचा लेते तो चंदा से ये पुल बन जाता। कहीं कोई बात नहीं है। और जिस व्यक्ति को ये लग रहा है कि रंजीत सा अपना चेहरा चमकाना चाहता है, तो मैं बता देता हूँ कि मेरा चेहरा जनता चमकाती है। और 5 चुनाव मैंने लड़ा है पंचायत का, 1 मुखिया, 1 पैक्स अध्यक्ष और पंचायत समिति। जनता ने हमको 5 बार अपार वोट दे के चुनाव जिताया है। हम आज तक पंचायत में कभी पब्लिक मुझे हराया नहीं है और इस बार जो नगर अध्यक्ष का चुनाव होगा इसमें भी हमारी जीत सुनिश्चित है। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं।